जय श्री माता जी। श्री माता जी को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम कुंभ का जो मेला जो हर 12 वर्ष के बाद में लगता है, उसमें सहज योग का एक शिविर लगा और उसमें 2,00,000 लोग आए और 2,00,000 लोगों का कुंडलिनी जागरण हुआ। ये एक चमत्कार है जिसमें ईश्वर की शक्ति को 2,00,000 लोगों ने मात्र 1 महीने में महसूस किया। तो पहले हम कुलमी साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा ये जो कुंभ लग का मेला लगता है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और सनातनी परंपरा के अनुसार ये देश में 4 स्थानों पर सिंहस्थ कुंभ के आयोजन होते हैं, और हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद और उज्जैन के अंदर, और हर जगह जो है 12 वर्ष के अंतराल में ये आयोजन किए जाते हैं। इसी तरह 1916 में क्षिप्रा नदी के पवन तट पर सिंहस्थ कुंभ का आयोजन हुआ था और सहयोग परिवार उज्जैन ने नेशनल ट्रस्ट और मध्य प्रदेश की कमेटी के साथ मिलकर इस सिंहस्थ मेले में एक बड़ा वृहद सहयोग कैंप का आयोजन किया था। जहाँ तक तो कुंभ की बात है तो ऐसा वैदिक मान्यता है, हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है, जब समुद्र मंथन हुआ और देवताओं रसूरों में जो संघर्ष हुआ, तो जो उसके अंदर जो मंथन में कुंभ जो घड़ा निकला था अमृत का, तो उस खींचतान में जहाँ जहाँ उसकी कुछ बूंदें गिरी, उन 4 स्थानों पे ये कुंभ का इतना धार्मिक बड़ा वृहद आयोजन होता है। ये सैकड़ों वर्षों से भारत के अंदर होता आया है, लेकिन इस बार ये अच्छी बात रही कि उज्जैन में जो कुंभ का आयोजन हुआ है इसमें सिंहस्थ का एक कैंप लगा और केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश शासन ने मिलकर इसका आयोजन किया था, जो 22 अप्रैल से प्रारंभ हुआ और 21 मई तक अनवरत चला। इसके अंदर मुख्य 3 शाही स्नान हुए और इन शाही स्नानों में स्नान करने के लिए देश विदेश से करीब 5 करोड़ धर्मालुजन उज्जैन पहुँचे थे। तो गुप्ता साहब, आप ये बताएं कि जब आपने ये सोचा कि इसको करेंगे तो आपने ये ज़रूर लगा होगा कि इतना बड़ा प्रोग्राम है करेंगे तो पैसे की व्यवस्था कैसे होगी, इसके लिए सोचा या आपको लगा कि हम इसको शुरू करते हैं, श्री माता जी की कृपा सब हो जाएगा जी, वहाँ से हम इसकी शुरुआत करते हैं। मैं इसके साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे चित्त में जो आया श्री माता जी, उसके पहले ही काफ़ी पहले कह चुकी थी नवरात्रि पूजा में, श्री माता जी ने कहा है कि गुरु सिंहस्थ आने वाला है और उसमें जो है आपको जो मैंने दिया है वो आपको औरों को देना है, और जो इससे वंचित हैं उनको फलीभूत करना है, और जो इसके विरोध में हैं उनका नाश करना है। ये एक नवरात्रि पूजा के अंदर श्री माता जी ने कहा है सिंहस्थ कुंभ के बारे में। जब हमारे चित्त में आया, जैसे हमें ये माता जी का ये देववाणी हमें सुना, तो हमारे और हौसले बुलंद हो गए और हमारा आत्मविश्वास और बढ़ गया, साहस बढ़ गया हमारा। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास तो 5 रुपये भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि हम कुछ ज़मीन ले लेंगे जो मिल जाएगी। हमने कुछ गवर्नमेंट से प्रयास किया तो पता चला कि वो तो 500-700 ज़्यादा स्क्वायर फीट देते नहीं हैं, लेकिन जब लेने गए तो हमको 20,000 स्क्वायर फीट वहाँ के जो है सरकार ने हमसे कहा कि 20,000 स्क्वायर फीट आप ले लीजिए, आपको चाहिए आप ले सकते हैं क्या, तो हमने क्या ले लिया। Everyone who has been to Sahaj Yoga has been helped miraculously also in the Lakshmi Tattva, that means material. In so many ways they are helped that one has to just see for themselves how these miracles take place. An example is of a villager who had a small little holding of land, and he was living hand to mouth every day. When he came to me, after some time, I found he would bring one garland, big garland for me every evening.
and he was away in the village. Every day he would attend my program. I was quite surprised that how could he afford it, and I asked him, how can you afford a garland for me every day? You shouldn't bring it, it's not proper. So he said, Mother, you know everything. I said, why, what happened? He said, I have a plot of land next to mine which we never used because it was absolutely a barren land. Little bit, not much big land, but a small land, piece of land. And I, after realization, I used to always go walk over it bare feet to plow this little piece of land that I have. After some time, when I was coming here after that, one gentleman came to see me and he said that this piece of land that you have is very precious. He said, what's the problem? He said that I have a tin of bricks and I have seen that even by chance, sahaja, we mixed a little clay from this soil, from this part of the land that you have, and we found that our bricks have become so good and so strong that we would like to purchase this clay from you at the price of seers. And that's how he started getting money sufficient for him, and he became much better off. हमने 20,000 स्क्वायर फीट जगह ले ली और उसके अंदर अब कैसे करना है, हमने कुलमी जी ने हमने सोचा भाई हम क्या करें इसके लिए, तब किस प्रकार से उसको डेवलप किया जाए। तो हमने शुरू के अंदर अपने प्रयासों से ही किसी से हमने उस समतल करने वाले से बात करी, टेंट वाले से बात करी और उसको बराबर डेवलप करने के लिए उसके प्रयास किए। मालूम पड़ा कि कुछ हमने पैसा लगाया, कुछ पैसा लगता चला गया, लेकिन एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे पास जो है पैसे की जो है, हमने सोचा कि अब आगे तो पैसा है ही नहीं, कहाँ से आएगा इतना सारा पैसा। उसका हमको जो खर्चा था वो इतना ज़्यादा था कि करीबन जो 30 लाख के आसपास, 25-30 लाख आसपास बैठ रहा था टोटल खर्चा। तो हम इतना खर्चा कहाँ से करेंगे था? तो एक बार हमारा थोड़ा आत्मसात डिगा, लेकिन हमने माँ के साथ बैठे जी, हमने प्रेयर की हम दोनों ने, फिर हमने कुछ लोगों से चर्चा की, वो भी उन्होंने हमको थोड़ा हाथ बढ़ाया जी। उसके बाद जो है हमको थोड़ा सा और हौसला मिला, नहीं तो स्थिति ये आ गई थी। हमने सोचा था 2-3 लाख रुपए जो खर्च हो गया है वो चलो ठीक है, कोई मान लेंगे, से सोचेंगे जेब से गिर गया पैसा भाई, अपन भूल जाते, लेकिन माँ का काम है, श्री माता जी है, वो कहीं ऐसा नहीं छोड़ती हैं वो जी। और उस काम को उन्होंने बढ़ाया और उसके बाद तो पैसा इस तरह आता चला गया, इस हमें पता ही नहीं कि पैसा कहाँ कहाँ से आया, अमेरिका से आया, ऑस्ट्रेलिया से आया, देश विदेश से ऑनलाइन जमा होता रहा। और हम सोचते रहे पैसे को कहाँ खर्च करें, हम तो ये सोचते रहे कहाँ खर्च करना चाहिए, हमें खर्च करने जगह नहीं, बल्कि जो पैसा मिला हमने उसको भी, हमने जो अपनी संस्था को ही दान वापस कर दिया। जो पहले सोच रहे थे, जैसे आपने कहा कि 5 रुपये भी नहीं थे जी, और फिर शुरू किया और शुरू करने पर लगा कि जो था पैसा वो भी गया, चलो कोई नहीं आगे नहीं मिलेगा, पर अंदर से जो आपने जो सहयोग जितने वर्षों से आप कर रहे हैं 21 साल से, अविश्वास नहीं था। 21 साल से जो सहयोग किया, आपने ये पाया कि माँ का काम कभी रुकता नहीं, वो अपने बच्चों की इच्छा पूरी करती हैं, और ये तो काम बहुत बड़ा काम था जिसमें, इसीलिए माँ के चरणों में बैठ कर हमने प्रार्थना करी जी, और माँ ने सुनी जी, और सुनी तो इस तरह सुनी कि फिर तो हमें पता ही नहीं चला कि कैसे आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते इतना पैसा आ सकता है वापस। तो जो पहली जो एक हर्डल इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं, जो दिक्कत कहते हैं, वो श्री माता जी ने जो पैसे की थी आप लोगों की दूर कर दी, और आपको लगने लगा कि अब ये तो बहुत ही आसान हो गया, आसान कर दिया। हाँ। कमल का फूल हमेशा आपने देखा है उसमें एक ऐसी हमेशा थोड़ी सी झुकान रहती, कमल कभी भी ऐसा खड़ा नहीं होता है, तो थोड़ी सी झुकान जरूर डंठल में आ जाती है। उसी प्रकार जो कम से कम जो लक्ष्मी जी के हाथ में कमल है, दोनों में इसी तरह की सुकुमारता है। दूसरों से बात करते वक्त वो बहुत ठंडे तबीयत से, आनंद से, प्रेम भरा इस तरह से बात करता है, झूठा नहीं होता, कोई प्लास्टिक के नहीं होते हैं वो कमल, असल में होते हैं। ऐसा मनुष्य असल में कमल के जैसा होना चाहिए, एक हाथ से वो दानी होना चाहिए,
उसके हाथ से दान बहते ही रहना चाहिए, बहते ही रहना। हमने अपने पिता को ऐसे देखा है, पिता की अपनी बात हम देखते हैं बहुत बार, बहुत दानी आदमी थे, देते ही रहते थे, कि पास कुछ ज़्यादा हो जाए वो बांटते ही रहते, कोई यही मजा ही नहीं आता जब तक वो बांटे नहीं। तो उनसे कोई कहे कि भाई आप आँख उठा के भी नहीं देखते, जो आया वही उठा के ले जा रहा, आप आँख उठा के नहीं देखते। तो कहले मैं क्या देखूँ, जो देने वाला दे रहा, मैं तो सिर्फ बीच में खड़ा हूँ दे रहा हूँ, उसके देखने का मुझे तो शर्म लगती है, लोग कहते कि तुम दे रहे हो। इस तरह का दानत वाला आदमी जो होता है, जो अपने लिए कुछ भी संग्रह नहीं करता, दूसरों को बांटते रहता है, दूसरों को देते रहता है, देने में ही उसको आनंद आता है, लेने में नहीं, ये आदमी लक्ष्मी पति होता है। श्री माता जी की कृपा से व्यवस्थित होते हैं, बिना उनके संभोग, बिना उनके संभोग, मां के बिना होते रहे। पर आप जैसे बहुत सुंदर लगा था हमें मालूम करना कि कैसे एक बड़ी संख्या में नमक की जरूरत थी, आप लोग सब व्यस्त थे, वो कैसे हुई, ऑयल की कैसे हुई, वो एक बहुत सुंदर अनुभव रहा हमें सुन के, सबको अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि आप सबके साथ उसको शेयर करें। देखिए अब जब 70 आदमी रोज बाल्टी लेके बैठेंगे तो नमक तो चाहिए ही उसके अंदर, क्योंकि कोई नहीं लाता, कोई नहीं आता तो हम ही मांग के देना पड़ते। लेकिन पता नहीं कहाँ से कोई व्यक्ति आया, उनने बोरियां बोरियां ला के रख दी नमक की, बाद में बोरियां बच भी गई, वो बच भी गई तो हमने कोई हमने जो है वापस जो है सेंटर को दे दी, सेंटर को ठीक है आप इनका उपयोग कीजिए। वैसे ऐसी ऑयल का ऑयल देने कहाँ से कौन आया, उन्होंने कहा हम एक्चुअल में सेजोग में क्या होता है ना, सेजी से हम ना तो पैसा लेते हैं ना कोई सहयोग लेते हैं। जी जी, जिसने रिलाइशन लिया है, जिसने जो सेजोग सेजोग की पति जिनकी आस्था है और रिलाइशन ले चुका है, आप साक्षात करी है तो ही हम उसको कोई देना नहीं मांगते भी नहीं, देना चाहे तो आप ले लेते, स्वीकार कर लेते, हम मांगते नहीं कैसे जी। आपकी इच्छा आ रही आते और ये इच्छा कैसे आती है, वो प्रेरणा देने वाली वो है, किसके मन में कैसे प्रेरणा दे दी, किसको कैसे उसकी इच्छा जगा दी, हमें नहीं मालूम जी, कोशिश मालूम। लेकिन वो व्यक्ति आते हैं और कहते हैं भाई ये सब 10 डिब्बे आज तेल के हमारी तरफ से, आप अगली बार जरूरत पड़े तो फिर बता दीजिए। तो हमने कहा इतना तो हमारा उसका खर्चा है, 2 दिन का ही खर्चा है मतलब, हाँ तो क्या कोई बात, 2 दिन बाद फोन करते, हम फोन वोन नहीं करते, लेकिन मालूम पड़ता है कि दूसरा व्यक्ति आता है, फोन कहीं डिवाइन से हो जाता है, नहीं वो दूसरा व्यक्ति आता है वो दे जाता है, फिर वही व्यक्ति फिर तीसरा, मतलब पूरे महीने भर ऐसा चलता रहा कि नमक तो आया है और वो तेल के डिब्बे भी ऑटोमेटिक आते चले गए। यहाँ तक कि जो सामान जो दूसरे स्वीट्स वगैरह के सामान होते हैं, मिठाई वगैरह बनाने के, वो लोग भी मतलब परवर जाने कहाँ से व्यवस्था हुई, आइसक्रीम वगैरह भी ऑटोमेटिक आती चली गई, हमने कभी किसी से नहीं कहा, ना हमने कोई आयोजन किया, ना हमारे कोई सूची में ऐसे ढूंढा, माँ को मालूम था पर पता बच्चों को क्या चाहिए, गर्मी पड़ रही है, नहीं गर्मी पड़ रही है ना, हम तो व्यवस्था कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम तो खाली यही देख रहे हैं भाई ठीक है, हम तो व्यवस्था के अंदर इतने व्यस्त हैं कि हमें तो बाकी चीज सोचने का मौका ही नहीं मिल पा रहा, लेकिन बाकी जो हमारे सोच में नहीं आ रहा वो डिवाइन सोच में आ रहा है, वो डिवाइन जो है उनको जने कहाँ से किसके माध्यम से पहुंचा रहा है, और वहाँ से आइसक्रीम की व्यवस्था हो रही है, ठंडे की व्यवस्था हो रही है, सब आटो पर ऐसा चल रहा है कि उन्हें भरी गर्मी के अंदर जो रैली निकाल सकते हैं, भरी गर्मी के अंदर जो बैठ के राशन करा सकते हैं, भरी गर्मी के अंदर बैठ के जो है प्रचार प्रसार करते हैं, वहाँ पर खड़े होकर सड़क के ऊपर आप आइए बुलाते हैं, हमारे ऐसी टीमें जो सेवाएं देते थे बाहर सड़क पे और जगह जगह कैंपों में जाकर भी लोगों को उनको पर्चे बांटते थे, आमंत्रित करते थे और कहते थे कि आप एक बार आके कम से देखिए तो सही। हाँ जी, तो वो लोग आते थे या नहीं आते थे, लेकिन प्रचार करने काम हमारा होता था। हमारे कुछ टीम ऐसी थी जो दूसरे कैंपों में जाकर वहाँ के बाबा लोग खुद बुलाते थे, वहाँ के मंडलेश्वर महामंडलेश्वर पीठाधीश मंडल खुद बुलाते थे, वो कहते थे कि हमारे ये अनुयायी बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं कहिए, हम कुछ भाषण प्रचार प्रवचन तो देते नहीं है जी, हमारे तो काम खाली किया कि रिलेशन देना जी, आत्म साक्षात्कार कराना, खाली माँ का फोटो झोले में टांगा रखा माँ को और माँ को वजह के गरिमा मारे तरीके से बिठाया माँ को, दो फूल चढ़ाए गुलाब के, बस उनके सामने उनके जो भक्त जो भगवान को खोज रहे हैं उनके माध्यम से, वो खुद भी जो भगवान को खोजवा रहे या ढूंढवा रहे हैं, वो भी जब दोनों हाथ वो उनके मठाधीश भी जब हाथ खोल के बैठते थे तो उनके हाथ में ठंडे नहीं ले जाए बहने लग जाती थी, तो वो कहते हैं बस इससे बड़ा सत्य और क्या हो सकता है जो ऑटोमेटिक बिना कुछ करे मिल रहा है। क्योंकि ये चाहे श्री माता जी के अवतरण के बाद, चाहे किसी की कैसी भी स्थिति हो, कहीं से भी आया हो, कैसा भी हो, ईश्वर उनको एक बहुत सुंदर मौका देते हैं कि पहचान लें, और वो श्री माता जी ने कि ईश्वर को हम पहचाने वो इतना सुंदर कर दिया कि उसकी शक्ति को ही बहा दिया।
कृष्ण ने अपने गीता में कहा है कि योग क्षेम वहां में हम, इसका मतलब है पहले योग, पहले वो क्षेम कहते, पहले उन्होंने योग कहा उसके बाद क्षेम कहा। क्षेम का मतलब होता है आपका वेल बीइंग, आपका लक्ष्मी तत्व, पर पहले योग होना चाहिए। जब तक योग नहीं होता तब तक परमात्मा से आपसे कोई मतलब नहीं। आपको पहले योग माने परमात्मा से मिलन होना चाहिए, आपके अंदर आत्मा जागृत होनी चाहिए। जब आपके अंदर आत्मा जागृत हो जाती है तब आप परमात्मा के दरबार में असल में जाते हैं, नहीं तो आप रट्टू पोते के जैसे कहा करते हैं, जो कुछ भी बात है बाहर ही रह जाती है। अंदर का आपा जब तक आप जानते नहीं, जब तक आप अपने को पहचानते नहीं, तब तक आप परमात्मा के राज में आते नहीं, और इसीलिए आप उसके अधिकारी नहीं हैं जो परमात्मा ने कहा हुआ है। बहुत से लोग परमात्मा को इसका दोष देते हैं कि हम तो इतनी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, इतनी हम पूजा कर रहे हैं, इतने सर के बल खड़े होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, सुबह से शाम तक रटते बैठते हैं, तो भी हमें परमात्मा क्यों नहीं मिलता। वास्तविकता परमात्मा से बात करने के लिए तक आपका उनसे संबंध होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। जब तक आपका योग घटित नहीं होता तब तक क्षेम नहीं हो सकता। क्षेम का मतलब है आपके चारों तरफ से रक्षा, जो लक्ष्मी तत्व हमारे अंदर है वो जागृत हो जाता है। कृष्ण ने सिर्फ ये कहा कि वह हम में हम मैं करूँगा, पर कैसे करूँगा सो नहीं कहा, सो मैं आपसे बताती हूँ वो किस तरह से होता है। जिस वक्त योग घटित होता है तब कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि से उठ करके ब्रह्मरंध्र को छेदती थी। जब कुंडलिनी की शक्ति ब्रह्मरंध्र को छेदती है तब उसमें ज्योत आ जाती है, क्योंकि आत्मा की ज्योत वो पा लेती, और उस ज्योत के कारण नाभि चक्र में जो लक्ष्मी तत्व है वो जागृत हो जाता है। जैसे ही लक्ष्मी तत्व आप में जागृत हो जाएगा, चारों तरफ से आप देखिएगा आपकी खुशहाली रहेगी। आया हूँ दरबार तुम्हारे, आया हूँ दरबार तुम्हारे, बहुत दिनन का भूला भटका, बहुत दिनन का भूला भटका, ले ले श्री माँ चरण तिहारे, आया हूँ दरबार तुम्हारे, आया हूँ दरबार तुम्हारे। श्री माँ चरण तिहारे,